पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नागरिक एकता समिति के द्वारा मुरादाबाद में हिमगिरी कॉलोनी स्थित दरगाह सैयद कुतुब शाह नौ गजे पीर रहमतुल्ला अलैह का सालाना उर्स बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रोग्राम का आगाज कुरान खानी के साथ हुआ और बाद में नमाज असर चादर पोशी की रस्म अदा की गई। फैजान सलमानी के निवास से शुरू होकर दरगाह शरीफ पर बड़ी अकीदत और खुलूस के साथ चादर पोशी का जुलूस मुकम्मल हुआ। चादर पोशी के बाद कुल शरीफ की रस्म अदा की गई। बाद में तमाम जायरीन में लंगर तकसीम किया गया। मुल्क में अमन और सुकून की दुआ कराई गई। वहीं फैजान सलमानी ने बताया कि दरगाह अमन का पैगाम देती है, हम सभी को अपने देश हिंदुस्तान में मिलजुल कर रहना चाहिए। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष फैजान सलमानी, दरगाह के सज्जादा नशीन बाबू शाह रियासत हुसैन, इमरान रेहान, अब्दुल रहमान, नईम रजा, शहजाद वारसी नाजिम के साथ और भी लोग मौजूद रहे। आज हमारे ओर से हिमगिरी कॉलोनी स्थित दरगाह सैयद कुतुब शाह नौ गजे पीर रहमतुल्लाह अलैह का सालाना 37वां उर्स मनाया जा रहा है, जिसके मौके पर हर साल की तरह इस साल भी चादर पोशी की गई है। जी हर साल 100 से 500 के बीच में बढ़ती है। यहाँ से अकीदतमंदों को फैज़ होता है? जी बिल्कुल मिलता है। लगभग कितने साल पुरानी ये ज़ियारत होगी यहाँ? जी मैं बचपन से देख रहा हूँ, मेरे माँ बाप भी बचपन से देख रहे हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।